हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे व्लॉग में। सो मॉर्निंग हो चुके है स्टार्ट और आज जल्दी थोड़ा आ गया था न्यूट्रिशन कैफे। सो अभी फिलहाल मैं और एक अंकल जी हैं। सो अभी काम का स्टार्ट करते हैं और थोड़ा प्लानिंग करना है अप्रैल मंथ का, इसीलिए थोड़ा जल्दी आके थोड़ा काम पास थोड़ा काम का स्टार्ट कर दिया है। सारा काम कंप्लीट हो चुका है फिलहाल। अभी फ्रेश होने का टाइम है और फ्रेश में डालेंगे सिंपली प्रोबायोटिक्स, जिसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम एकदम क्लियर होता है। और साथ में गाना भी सुनेंगे। सो गाइस, जबरदस्त वर्कआउट, पसीना पसीना हो गया है, बहुत ही मजा आ गया, जबरदस्त वर्कआउट किया। अभी लेंगे थोड़ा सा न्यूट्रिशंस एंड उनके बाद करेंगे थोड़ा शेक अफ्रेश का कंज्यूमनेशन। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक थोड़ा एंजॉय करते हैं। सारे लोग चले गए हैं, फिलहाल हमारा वर्कआउट शेक अफ्रेश सब डन हो चुका है। अभी वीडियो एडिटिंग के लिए बैठना है, अपलोड पे लगाना है, एक दो अपॉइंटमेंट है ऑनलाइन, उसको मिलना है। तो काम काज थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए आज थोड़ा काम कंप्लीट करने के बाद जाएंगे बैंक में। बैंक में भी आज काम है, बहुत ही गर्मी है, देखो बाहर धूप जबरदस्त है। तो अभी थोड़ी देर में सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं निकल जाऊँगा बैंक में। 1 बज गया है, बैंक का सारा काम कंप्लीट हो चुका है और फिलहाल अभी बहुत ही भूख लगी है और तगड़ी वाली धूप है मेरा भाई, आग लग जाए ऐसी धूप है। तो फिलहाल हम तो एक्टिवा में है, तो अभी गर्मी लेते लेते घर जाएंगे जल्दी फटाफट, क्योंकि वरना धूप की वजह से कुछ और ना हो जाए। जल्दी जाके हेल्दी देसी खाना खाना है, कीर्ति को बोला था रोटला बनाए, रोटला बाजरे जुआर मकई का रोटला खाएंगे और साथ में भाजी खाना है। कीर्ति हाय, आज तो बम में क्या बन रहा है, वाह सुबह जबरदस्त। ये तांजल यानी भाजी बनाने वाली है, खुश खुश में खुश याद आ गया, खुश पैसे हो रहा है। ओहो, बहुत ही मजा आएगी, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, फेवरेट लगती है। अभी थे कैसी बनाती, कैसे क्या पता। हाय चक्कर चंपक चल लूँ, बहुत ही गर्मी लगी है, फटाफट अभी मैं फ्रेश हो जाता हूँ फिर खाना खाने के लिए बैठ जाऊंगा। सुबह खाना हमारा रेडी है और देखो, ओ माय गॉड क्या लाजवाब। तो कीर्ति ने भाई मस्त डेकोरेट किया है, ये जबरदस्त भाजी लगती है मुझे, और दही भी है और इसको क्या बोलते हैं, बूंदी और सास और कांदा और बाजरे जुवार मकई का मिक्स आटे का रोटला है और चेवड़ा गुजराती ममरे का। सो इतना खाना हम खाएंगे। ये जो तांजलिया की भाजी है वो मेरी फेवरेट है, बचपन से मैं खाता हूँ और मेरी मम्मी लाती थी हमारे ही खेत से और ज़बरदस्त सब्जी बनाती थी और खिलाती थी, बहुत ही मज़ा आता है। ये सब्जी मेरी फेवरेट है। सो कल मार्केट में गए थे तो मिल गई तो ले आए और काफ़ी खाएंगे ये सब और फिर नींद लेंगे। 4 बज गया है, हर खुश और कीर्ति देखो बाहर आ गए, मेरे से आगे आगे पहले, क्योंकि आज उनको जाना है बाहर। कहाँ जाना है मैं रास्ते में बताता हूँ। कीर्ति को तो जाना है उनकी आंटी के वहाँ पे, इसलिए रेडी होके और सबसे पहले आ गई थी। खुश को भी रेडी कर दिया, मुझे जाने की जल्दी है, कहीं बाहर जाना होता तो तैयार नहीं होते, इतना लेट करती है, लेकिन यहाँ जाना था इसलिए इतना जल्दी तैयार कर हो गई और खुश को भी इतना जल्दी तैयार कर दिया। तो ये फर्क है और अभी मैं उनको छोड़ने नहीं जाने वाला हूँ यहाँ पे, उनको तो BRTS में जाने वाली है कीर्ति। और खुश भी BRTS में जाएगा, खुश बोले पहली बार मैं BRTS में जाऊंगा। कीर्ति का भाई जो है उनके वहाँ पे लक्ष्मी हुई है तो इसीलिए कीर्ति जाने वाली है। आज छठा दिन यानी कि छठी है तो सब लेके जाना होता है, तो अभी जाएगी कीर्ति उनके आंटी के घर पे और फिर वहाँ से जाएंगे सब मेहमान बन के उनके मायके में। सो इसीलिए खुशबू भाई भी रेडी, खुशबू और नाइट का प्रोग्राम होता है तो ये सब वहाँ करके आएंगे। अभी कब आएंगे आई डोंट नो, लेकिन अभी हम उनको BRTS पे छोड़ देते हैं, क्योंकि कब से मुझे परेशान कर दिया, सोने भी नहीं दिया। फिलहाल अभी 4 बजे हैं, कहा तो सोने नहीं दिया ना, तो सो लिए
आज जाना था तो रेडी होके बार बार पापा को उठाओ ऐसे कर कर के मेरा मुझे परेशान कर दिया है। तो अभी मेरे को तो उसका टाइम है 3 बजे, उसका तो टाइम नहीं है, कुछ को असूला या फिर नींद नींद के है क्या भाई तू नींद में है कुछ भाई? दोपहर का तो नींद ले लिया, एक नींद ले ली है कुछ भाई ने भाई। ओहो जो माँ बेटा निकल गए अभी जाने के लिए, ना कोई आवाज ना कोई बाय टाय क्या कुछ। बाय क्या कुछ बाय, तीन खुश निकल गए खुश बाय बाय। तो भाई हम निकलते अभी न्यूट्रिशन कैब है, वो दोनों चले जाएंगे। देखिए BRTS में कीर्ति जा रही, कीर्ति एक दो बार गई है BRTS में, तो इसके लिए उनको पता है कि कैसे कहाँ जाना है। खुश भाई पहली बार गया है BRTS में, अभी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं पता नहीं, लेकिन हम निकल गए हैं दोनों माँ बेटे क्योंकि जाने की जल्दी होती है, सबको होती है पियर जाने की। तो पापा के घर काका के घर वहाँ जाना होता है तो कोई रुकता ही नहीं है, सब सेटिंग हो जाता है ओके। कितना बहाना देती है, कितना कहीं और जाना हुआ तो कितना तैयार होने में न्यूज़मैन उसमैन सब में टाइम निकलते हैं, लेकिन यहाँ जाना हुआ तो सबसे पहले रेडी हो। तो गाइस हम पहुँच गए हैं ऑफिस पे और अभी यहाँ पे काम काज करेंगे, एक तो मीटिंग है तो मीटिंग लेना है वो लेंगे और बाकी काम भी। एक बिजनेस क्लास मीटिंग होने वाली है ज़बरदस्त, और हम पहले तो पियेंगे 24 हाइड्रेट जिसकी वजह से पानी की कमी नहीं होती है, और इसको एक शीशे को एक गिलास में डाला और ऊपर से नॉर्मल या चिल्ड पानी डालेंगे तो हो जाएगा हमारा रेडी 24 हाइड्रेट। देखिए ज़बरदस्त, और ये इसको लेने की वजह से विटामिन्स मिलते हैं, ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन करने का काम करती है। सो ये आप ले सकते हो और गर्मी के मौसम में तो ये ज़रूर लीजिए ताकि आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहे, पानी की कमी कोई नहीं रहे और बीमारी से दूर। लेमन फ्लेवर में है इसका टेस्ट और एकदम क्लास लग रहा है, मज़ा आ जाता है। सो अगर नींबू शरबत आपको पसंद है, लेमन मक्का कोई भी आइटम पसंद है तो ये सबसे बेस्ट है, और डिहाइड्रेशन भी कर देता है पूरी बॉडी को। सो अभी ट्रेनिंग भी लेंगे और साथ साथ में लिखेंगे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। न्यूट्रिशन कैफे कंप्लीट हो चुका है, फिलहाल हम है अकेले तो जाएंगे बाहर खाना खाएंगे, आज तो कीर्ति नहीं है घर पे नूरीदन दादा भी तो ये सब आएंगे मेरे घर पे सोएंगे और रहेंगे, अब देखता हूँ मैं आता है कि अकेले जाएगा। अभी अकेले घर जाना है, बाकी सारे लोग चले गए हैं और घर तो अभी कीर्ति नहीं आएगी क्योंकि उनको टाइम लग जाएगा, इसलिए वो सुबह ही आएगी, इसीलिए अभी मैं बाहर ही खाना पड़ेगा। सो बाहर हल्का सा खाना तो नहीं खाऊंगा आज अकेला हो तो, देखते कुछ भी हेल्दी अनहेल्दी खा लेते हैं और फिर जाएंगे घर पे, और अकेले हैं सो जाएंगे और क्या करेंगे। सब फटाफट निकलता हूँ और रास्ते पे भी लोग वॉकिंग के लिए निकल गए हैं, मज़े कर रहे हैं सभी लोग। हम वॉकिंग नहीं कर पाते हैं सुबह शाम को दोनों टाइम, लेकिन कभी ना कभी टाइम मिलेगा तो करेंगे। फिलहाल अभी खाना खाने के लिए जाता हूँ। तो गाइस खाना हमारा हो चुका है डन, और मैंने जल्दी जल्दी में हाफ पनीर चिली खा लिया है, पेट हो चुका है फुल, अभी घर जाके आराम से फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद सो जाना है और थोड़ा बहुत काम करना है। एक दुर्घटना हो गई हमारे साथ, इसमें ऐसा हुआ जैसे गाड़ी के अंदर बैठा, दरवाज़ा खोला और गाड़ी के अंदर आया, जैसे अंदर आया तो एक मधुमक्खी होगी अंदर ही होगी, पता नहीं कैसे अंदर हो सकती है, और जैसे दरवाज़ा दिया क्लोज किया तो तुरंत ही यहाँ पे बैठी थी, और देखो वो अच्छे से दिखाई दे तो धीरे धीरे लाल होना स्टार्ट हो चुका है। तो सुबह तक देखते हैं क्या होता है, फेस की वाइट लग जाती है या ज़्यादा कुछ नहीं होगा, फिलहाल अभी तो लाल तो हो चुका है थोड़ा थोड़ा। सो देखते हैं
और मुझे इसका नुस्खा जो होता है वो भी पता नहीं है कि क्या कर सकते हैं हम, तो ये ऐसे जाने देते हैं। शहद है घर पे, असल मैंने सुना था कि शहद ऊपर लगाना चाहिए। आइस भी लगाया है, शहद भी लगाया है, अभी धीरे धीरे राहत हो जाएगी। फिलहाल ठंडा ठंडा एकदम मस्त नींबू पानी बनाया है मसाला सोडा के साथ, सभी रेडी है हमारा नींबू पानी विद मसाला सोडा, तो ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो अभी ये सब पी के हम सो जाएंगे। सो अभी अकेले हैं तो थोड़ा काम काज भी करेंगे और फिर मस्त नींद ले लेंगे। सो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल पे नहीं आए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल जाएगा इस वेरी सून नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गोपाल आहिर व्लॉग्स, बाय बाय।